हेलो गाइस, दिस सैयद यावर हसन। वेरी गुड संडे मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं, माहौल एकदम शांत रहता है, दिमाग 3 गुना तेजी से चलता है। तो सोचा एक बहुत ही अहम आपकी जिंदगी के कुछ सवालों पर बात की जाए। सवाल जो सीधे आपके रिलेशन, आपके आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। क्यों आपको धोखा मिलता है? क्यों आप खुश नहीं हो? सब कुछ करने के बाद भी दुनिया का सब सेक्रीफाइस आपने कर दिया, अपनी तरफ से आपने न जाने क्या नहीं करा उस प्यार को मजबूत बनाने के लिए, बट उसके बाद भी आपका रिलेशन सक्सेसफुल नहीं है। आंसर आपने खुद दे दिया, क्योंकि आपने शुरुआत में ही कह दिया कि मैंने सब सेक्रीफाइस करा। जिस प्यार की, जिस रिलेशन की बुनियाद ही सेक्रीफाइस से स्टार्ट हो, उस रिलेशन को आप कैसे खड़ा करेंगे? पॉसिबल नहीं है। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है यार। प्यार का हम लोगों को मतलब ही समझाया जाता है कि बेटा सेक्रीफाइस करो, चाहे लड़की शादी करके किसी के घर जाए, सेक्रीफाइस करो, बर्दाश्त करो, या फिर आप किसी से बहुत सच्चा प्यार कर रहे हो और आपको पता है कि वो आपको चीट कर रहा है, उसके बावजूद आप बर्दाश्त कर रहे हो, तो यहां पर तो यार रिलेशनशिप खराब होना ही होना है। प्यार का मतलब सेक्रीफाइस नहीं होता है, रिलेशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट, इज्जत। इज्जत है तो प्यार है। अगर आपके दिल में किसी और के लिए इज्जत है और उतनी ही इज्जत उसकी आपके लिए, यानी कि अगर आप उसको खोने से डरते हैं, उस रिश्ते को तोड़ने से डरते हैं, और उतना ही डर सामने वाले में है, तो मुबारक हो, आपका रिश्ता कभी जिंदगी में कोई नहीं तोड़ सकता। बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन है, इसको और आसान करते हैं, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ऊपर वाले ने सिर्फ लड़का और लड़की बनाए, क्योंकि दो जेंडर अपोजिट चाहिए थे ताकि दुनिया आगे बढ़े, फैमिली बने। इसके बाद जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, रिश्ते, रिवाज, सब कुछ हमने बनाए हैं। छोटा बड़ा, ताकतवर कमजोर, लड़का लड़की, समझ रहे हो? सब लोग बोलते हैं कि रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए, किसी से भी उम्मीद मत रखो। मैं भी ऐसा मानता हूं बिल्कुल, लेकिन आपको सही मतलब पता है रिश्तों में एक्सपेक्टेशन किस तरीके से नहीं होना चाहिए? अगर आपके घर में कोई सिगरेट पी रहा है, आपका लाइफ पार्टनर, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सालों की आदत 2 मिनट में वो छोड़ दे, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि घर में तुम सिगरेट नहीं पियोगे, बच्चों के सामने और मेरे सामने, और अगर वो ऐसा करता है तो वो तुम्हारी इज्जत कर रहा है, तुम्हारे वर्ड्स की इज्जत कर रहा है, समझ रहे हो? तुमने उसे ये नहीं बोला कि सिगरेट छोड़ दो, उसने तुमसे ये बोला कि मेरे सामने मत पियो, और उसने इस बात को माना, समझा और बाहर चला गया। दैट्स कॉल्ड रिलेशनशिप। मजेदार बात बताऊं, अक्सर लोग बोलते हैं कि मुझे तो इसके ट्रू कलर्स पता ही नहीं थे, शादी के बाद पता चले, अगर इस पहले पता चलते तो मैं इस रिलेशनशिप में कभी आता या कभी आती ही नहीं। झूठ है ना ये बहुत बड़ा झूठ है। मैं बोलूंगा 90% लोगों को पता होता है कि क्या बुरी आदतें हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आपको 110% पता होता है कि इसमें क्या कमी है और कहां ये लिमिट क्रॉस कर रहा है, लेकिन आप बर्दाश्त करते हो। क्यों? क्योंकि आप उसे प्यार करते हो और आपने अपने रिलेशनशिप की बुनियाद हिला दी। कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको वहीं रोकना था, और अगर सामने वाला नहीं रोकना है तो आपको हटना था। क्योंकि घूम फिर के बाद में आपसे फिर वही बोलूंगा, रिस्पेक्ट का मतलब होता है प्यार, प्यार का मतलब होता है रिस्पेक्ट, इसके ऊपर कुछ नहीं। आप लोगों के दोस्त तो होंगे ऐसे दोस्त जो आपके सामने बहुत अच्छा बनते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत आपकी परेशानियों पर हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं जब आप मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, और ये बात शायद आपको पता भी है, लेकिन इसके बावजूद आपके दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक लिमिट सेट नहीं करी। आपके पास आपके सेल्फ लव, समझते हो, खुद से प्यार करना, वो नहीं है आप में। आपकी सारी प्रायोरिटीज रिश्ते बचाने में होती है, चाहे वो शादी का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, रिश्ते बचाने में लगे रहते हो, रिश्ते सुधारने में नहीं। और रिश्ते सुधरते किससे हैं? अपनी बात रखने से, अपनी लिमिटेशन सेट करने से, अपनी प्रायोरिटीज बताने से कि यहां अगर इसके ऊपर आप गए तो ये रिलेशन भी उस वक्त खत्म। इंटरेस्ट में मेरी बात सुनने में थोड़ा सा कड़वा लग रहा होता है यार, ऐसे कौन रिलेशन निभाएगा? दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप हैं, उसमें देख लो, दोनों इक्वल हैं। इक्वल समझते हो? जैसा उसको इज्जत मिल रही है, वैसी इसको भी इज्जत मिल रही है। बहुत से लोग बोलेंगे कि सर प्यार तो सिर्फ एक ही बार होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन
पूछता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप किससे करते हो? अपने माँ बाप से। आई थिंक सो दुनिया में कोई ऐसा होगा जो ये इस आंसर को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। और जिन लोगों के माँ बाप इस दुनिया से गुजर जाते हैं, 13 दिन, किसी को महीना, किसी को 2 महीना, अपनी जिंदगी में बैक टू द नॉर्मल आ जाता है जैसे वो जी रहा था। जो इंसान इस दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते को धीरे धीरे भूल जाता है, उस गम को भूल जाता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, वो कैसे कह सकता है कि प्यार सिर्फ एक ही इंसान से हो सकता है? क्यों? क्योंकि फिल्मों में ऐसा कहा जाता है। ब्रदर आई लव यू जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। आई कभी भी चेंज हो सकता है, यू कभी भी चेंज हो सकते हैं, जो रह जाता है वो है लव। और लव का मतलब इज्जत, जिससे आपको इज्जत मिलेगी उससे आपको प्यार हो जाएगा। इससे यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई। सो क्या करें? अगर आपने थोड़ा सा भी अपने आप को इस वीडियो से रिलेट करा होगा और आप भी अपने रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आप किसी की गर्लफ्रेंड हो, चाहे आप किसी के बॉयफ्रेंड हो, किसी की वाइफ है, किसी के हस्बैंड हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप जाके पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आज आपने हिम्मत कर ली थोड़ी सी भी ये सवाल करने की, तो जिंदगी भर किसी और सवाल की फिर कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपनी जिंदगी का वो स्टेप ले लिया है, यानी कि शादी कर ली है, उसके बाद आपको कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तो उसको अभी क्लियर कर लेना है। रिश्ते खत्म नहीं करना है, रिश्ते बचाने के लिए अपनी राय और अपनी बात जरूर रखना, अंदर मत घुटने देना, अंदर मत करना कोई भी सेक्रीफाइस, कोई भी कॉम्प्रोमाइज। देखिए एडजस्टमेंट एक अलग चीज होती है, आप बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को, उस दुनिया में करना भी चाहिए लोगों को एडजस्ट, लेकिन सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज जब अंदर भरता है ना, तो फिर बाहर एक ब्लंडर बन के निकलता है। इसलिए जो चीज है अभी क्लियर करें, बात करें, डरे नहीं, बात करने से ही रिश्ते बच सकते हैं, सुधर सकते हैं। सो आप मेल हो या फीमेल, कॉम्प्रोमाइज और ये प्रॉब्लम रिलेशन की ये दोनों ही जेंडर्स को होती है। सो आज ही फैसला लें और ध्यान रखें, इस जिंदगी का सबसे बड़ा अगर रिलेशनशिप का मतलब मैं आपको बता सकता हूं तो वो यही है कि जैसा आप खुद चाहते हैं कि लोग हमें ट्रीट करें, आपको भी वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।